नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत बिल्कुल सो गई है। हर उपाय करके हम थक चुके हैं और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। हमारी किस्मत बिल्कुल रुक गई है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस स्थिति से बाहर आ सके? सोई हुई किस्मत जगाने के लिए आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको जीवन में शामिल करने से आपको अवश्य ही लाभ पहुँचेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले जो आपको उपाय करना है वो ये है कि आपको अपने गुरु का या जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करके आपको सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना करनी है। अब क्षमा प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि हमें नहीं पता कि किस कारण से हमारा भाग्य में ये रुकावट आई हुई है, हमारे किस जन्म की गलती के कारण हमारी तरक्की रुकी हुई है। इसलिए क्षमा प्रार्थना अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से अवश्य मांगें। और बल्कि क्षमा प्रार्थना तो हमें रोज़ हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है और हम सब से गलती होती है। इसलिए क्षमा प्रार्थना परम आवश्यक है। अब क्षमा प्रार्थना में आपको क्या कहना है? या तो आपके मन में जो भी प्रार्थना आपके मन से निकल रही हो आप वो प्रार्थना कर लें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हे ईश्वर, जो भी मुझसे जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व के जन्म में गलती हुई है, जिस भी कारण से मेरी यहाँ तरक्की रुकी हुई है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ये प्रार्थना आपको हर रोज़ जितनी अधिक से अधिक बार आप कर सकें आप करें। कम से कम 21 दिन तक तो ज़रूर करें, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमें दुख देना नहीं चाहते हैं। ये तो सब हमारे ही कर्मों का भुगतान है। ईश्वर केवल एक अच्छे माता पिता की तरह हमें हमारी गलतियों का दंड देकर हमें सुधारना चाहते हैं, वो हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना आपको हर दिन करनी है, सच्चे मन से करनी है। और उसके बाद जो भी आपके इष्ट के नाम का जाप आप करते हों, या आपके कोई गुरु हों उनका गुरु मंत्र का जाप आप करते हों, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भी आप केवल श्री राम, जय जय राम का जाप भी 3 माला या 5 माला या जितना अधिक से अधिक आप कर सकें आप ज़रूर करें। राम नाम का जाप तो कोई भी कर सकता है। स्वयं महाराज जी के शब्द हैं कि राम नाम के जाप से सारे काम बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करनी है, और उसके बाद आपको अपने इष्ट का या अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का 3, 5, 7 या जो भी आप कर सकें उतने माला का आपको जाप करना है। आप देखिएगा कि ऐसा करने से ईश्वर आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे आपके किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे। आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो सारे बनने लग जाएंगे। आपका जीवन ईश्वर के आशीर्वाद से प्रकाशित होने लगेगा। इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे आपकी नकारात्मकता कम हो जाए। आप अपनी किस्मत को जगाने के लिए सबसे पहले उठकर अपने हथेलियों के दर्शन ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहकर आप अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके अपने चेहरे पर 2-3 बार फेरें, और इससे आपकी किस्मत को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी बात, जब भी घर में रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाया होता है, और साथ ही गौ माता भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। ऐसी प्रार्थना के साथ आप ज़रूर गौ माता को रोटी खिलाएं। ऐसा कम से कम आप 21 दिन तक तो करें ही। आपकी रुकी हुई किस्मत के द्वार खुलने लगेंगे और आप आगे बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी किस्मत का साथ चाहते हैं तो आप नियमित रूप से चींटियों को चीनी मिलाकर आटा ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से भी चींटियां जो हैं वो आपके जीवन से पापों को दूर करती हैं और आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि कुत्ते के रूप में सारी नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाती है इस रोटी को खिलाने से।
इसके अलावा अगर आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, उनका जो खाना है वो डाल सकते हैं, तो ज़रूर डालें। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को ज़रूर डालें। अगर ना हो सके तो घर में ही छोटा सा फिश टैंक रख लें। ये बड़ा ही अद्भुत उपाय है। ऐसा करने से मछलियां आपका दुर्भाग्य अपने ऊपर ले लेती हैं। ऐसा करने से ज़रूर आपको जीवन में तरक्की मिलती है, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसी के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करना ही चाहिए। आप 3 से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करें, क्योंकि अनेक बार हमारे ऊपर जो नकारात्मकता आई होती है वो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा के ही कारण आती है, और इसलिए हमारी तरक्की रुक जाती है। इस सब को दूर करने की जिम्मेवारी भी हनुमान जी की ही है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी समस्त नकारात्मकता को आप समाप्त करें, तो आपको इससे भी बहुत बहुत लाभ निश्चित ही होगा। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। इससे समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कोशिश करें कि घर में कोई भी अगर आपके बंद घड़ी हो या टूटा शीशा हो तो आप उसे घर से ज़रूर बाहर हटा दें, और घर में सफाई रखें। अपने सभी देवी देवताओं को जितने भी प्यार से आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उतने प्यार से पूजा अर्चना करने का प्रयास करें। अगर आप रोज़ के अपनी दिनचर्या में कोई विशेष पाठ करना चाहें, जैसे कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष कर सकते हैं, या आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो उसको भी शामिल करने का प्रयास करें। इससे आपके भाग्य को 4 चांद लग जाएंगे और आप जल्द ही अपने जीवन की सर्वोच्च सफलताओं को पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रयोग हैं, जो सारे उपाय हैं, ये बिल्कुल आजमाए हुए प्रयोग हैं। आप इनको अपने जीवन में शामिल करके देखें, आपको निश्चित ही इन प्रयोगों से सफलता प्राप्त होगी। ऐसी हमारी महाराज जी से प्रार्थना है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 राम, हरे राम।